नमस्कार दर्शक बंधु, एबे आमे मध्यरात्रि रे पहुंचीचे। मध्यरात्रि रे शनिवार मध्यरात्रि रे ठीक राति 12टा रे अर्गस रो विशेष कार्यक्रम स्वप्न सुआई दियेनी। स्वप्न सुआई दियेनी को मु आपण मानको स्वागत करूचे। स्वप्न सुआई दियेनी रो परिकल्पना एथि पई आम ओडियांक नारे गोटिए बड़ अभिजोग। आमे स्वप्न देखु कठिन परिश्रम करुना, जुग बदलुची समय बदलुची, नुआ ओडिशार नुआ पीढ़ी सबु आह्वान को सामना करी आग को बढ़िबा को प्रस्तुत होउची। स्वप्न सोई की देखा जाएनी, स्वप्न सुआई दिएनी। ये स्वप्न वास्तवतार रूप ओडिया जुबोपीढ़ी पाखरे नबा पई आरंभ करुची। सेथि पई आमर कार्यक्रम स्वप्न सुआई दिएनी। स्वप्न सोई की देखा जाए ना, स्वप्न सुआई दिएनी। आम ओडियांको नारे बड़ अभिजोग, आमे स्वप्न देखु पुरुषार्थ करुना। मालिक हेबा नुहे दादन खटिबा कण ओडियांको भाग्य, भाग्य को आदरी नेबा ओडियात्व की माटी तले अमाप खनिज संपद, प्रचुर जल संपद, विस्तीर्ण बेलाभूमि, जंगल संपद, उर्वर मृत्तिका, परिश्रमी मानव संबल, ये सब महाप्रभु श्री जगन्नाथ आशीर्वाद। प्राचुर्य भितरे ओडिया कहीं गरीब केते दिन अन्य को दोष दे आत्मसंतोष पाइबा। खाली भारत रे नुहे समग्र विश्व रे आर्थिक दृष्टि रु संपन्न भूखंड हेबार संभावना रखुछि आम ओडिशा। देश राज्य और समग्र विश्वर कोण अनुकोण रे थिबा ओडिशार नुआ पीढ़ी जेउ मानंकु स्वप्न सुवाई देउनी, आसंतु राती उजागर रही आमर ओ आम राज्यर उज्जवल भविष्यत पई चिंता करिबा। आमर कार्यक्रम स्वप्न सुवाई दिएनी। स्वप्न सुवाई दिएनी को पुणी आपणंकु स्वागत करुछि। स्वप्न सुवाई दिएनी रे प्रति शनिवार मध्यरात्रि रे जणे विशेष अतिथि को आमे निमंत्रण करू, एवं से अतिथि सह आम सहित जोड़ी होउथिबा आम दर्शक मानंकर आलोचना पाई आमे एक प्लाटफर्म प्रस्तुत करू। आज आमर स्वप्न सुआई दिएनी ए कार्यक्रम रे आमर अतिथि भावरे आम सहित जोड़ी हेबे डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह। डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह को मु स्वागत करुचे। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपण को स्वप्न सुआई दिएनी को स्वागत करुचे। प्रथमे डॉक्टर साहब मुण को आम दर्शक मान सहित परिचय करदेवी। डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह जन्म भुवनेश्वर रे, डाक्तरी पाठ पढ़ार प्रथम फर्द एससीबी मेडिकल कॉलेज कटक रे। डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह जणे ओडिया, आउ तांकर पंजाब रो संपर्क को से भी निबिड़ करी की रखी चंती। आउ पंजाब रो जो संपर्क को से निबिड़ करी की रखी चंती, तांकर मैडम भी एते सुंदर जगन्नाथ भजन गांती। ओडिशा रे अनेक थर से जगन्नाथ भजन भाइराल होइछि। आउ सेई जो गीतरे डॉक्टर साहब कर टिके टिके शब्दर संजोगीकरण से भी से जगन्नाथ जणान को आहुरी लाइव करिछि। डॉक्टर साहब मु आपनको आम आलोचना को स्वागत करुछि। आलोचना तो आगो को बढ़िबा। डॉक्टर साहब यूके रो मैनचेस्टर रे लिवर पैनक्रियास आ किडनी ट्रांसप्लांट रो जणे बड़ डाक्टर ओडिशारु पाठ पढ़िकी भुवनेश्वर रु कटक रु भारतर विभिन्न जगह पाठ पढ़िकी अमेरिका परे यूके एभली जगह रे जणे सफल डाक्टर हबा, ता सहित समाज पई तांकर अंगीकार बद्धता रहिछि। जणे ट्रांसप्लांट सफल डाक्टर नुहंती, अंगदान भी हो एथिपाई डॉक्टर साहब अहरह उद्यम करुचंती। डॉक्टर साहब मु आपनको स्वागत करुची। एबे आम देश कोरोना संगरे लड़ुची, विश्व तो लड़ुची, ओडिशार स्थिति भी धीरे धीरे सुधुरुची। आपण सुदूर
ୟୁକେ ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବେ, କଟକରେ ଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଥିବେ, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଯୋଗାଯୋଗ ଯେତେ ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଆଉ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ସାମ୍ନା କରୁଛି ଦେଶ ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆ ଉପରେ କ'ଣ ମତାମତ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର? ଆର୍ଗସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ନମସ୍କାର ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଛୁଆ, ଆଉ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ। କରୋନାରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଶ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କରୋନା ପାଇଁ ହୁଏ ଯେ ଆମେ କରୋନାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନଟା ନେବା। ସେ ଯେତେ ଡ୍ୟାମେଜ କରିବାର ଥିଲା ସେ କରିସାରିଛି ଭାଇରସଟେ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁକେରେ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ମ୍ୟାନଚେଷ୍ଟର ଏରିଆରେ, ବୋଲଟନରେ କେସେସ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଛନ୍ତି ବି ୟୁକେରେ, ବଟ୍ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ଏବେ ବି 20 ତଳେ ରହିଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୁଫ୍ ଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ପୁଡିଂ, ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ଯେ ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଯୋଉଟା ଏଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ। ଏମ୍ସରେ ବି ଷ୍ଟଡିଟା ହେଇଛି, 36 ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିକି ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରିଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଅଦର ଦେନ୍ ହାଇ ଫିଭର ଟେମ୍ପରେଚର ପ୍ରାଣ କାହାର ଯାଇନାହିଁ। ତ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିବା। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ରିୟୁମର୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେଇଗଲେ ଆମର କ'ଣ ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଆଉ ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା ଦେହଟା ଖରାପ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆଉ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଇ ମେସେଜଟା ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ କାଇଣ୍ଡଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିୟୁମର ତାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଡିସମିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସମୟରେ ଆମ ଭଳିଆ ଦେଶରେ ଯେତିକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଦିଆବା କଥା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନର ତ ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, କୋଭିଡ଼୍ର ଯାହା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ମାନିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଆମର ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆଉ 6 ମାସ ଲାଗିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଟିକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ, 6 ମାସରୁ ଅଧିକା ସମୟ ବି ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ଟିକାର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ, ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଟିକା ନାହିଁ, ତାପରେ ବି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି, ତାକୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଆଜ୍ଞା, ତା ଭିତରେ 3ଟା ଜିନିଷ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେ ମାସ୍କଟା ପିନ୍ଧିବା, ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଯେ ଯାହାକୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ, କିଛି ଗୁଣ ନାହିଁ, ବେମାରୀ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟେ ଅଛି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଯେଉଁ ଭାଇରସଟା ବାହାରିବ ସେଟା ମାସ୍କ ଭିତରେ ରହିଯିବ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବ ନାହିଁ। ସୋ ମାସ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଲା ସେଇଟା, ଯେ ଆମେ ଜାଣିନୁ କାହାକୁ ହେଇଛି କାହାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କ୍ଲୋଜ୍ଡ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିକି ବହୁତ ଲୋକ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ଦେନ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଅଧିକା, ତେଣୁକରି ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଆଉ ସ୍ପେସିଂଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ହାତଟାକୁ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ହାତକୁ ନାକ ଆଖିକୁ ଟଚ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା କନେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛି, ଘରେ ଆସିକି ହାତ ଧୋଇଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହା କରିପାରିବେ। ଏ 3ଟା ଜିନିଷ ବହୁତ ଦରକାର। ମୁଁ ଆମ ମ୍ୟାନଚେଷ୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲର ସର୍ଜିକାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲିଡ୍ ବି ଅଛି, ଆମ ବହୁତ ମିଟିଂସ ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁ, ଆଉ ଆମେ ନୋଟିସ୍ କରିଛୁ ଯେବେ ଆମେ ଏ 3 ଜିନିଷଟାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ବେମାରୀର ଫ୍ଲାଟନିଂ ଅଫ୍ ଦି କର୍ଭ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ବେମାରୀ ଯଦି ହବ ବି ବିଫୋର୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯିବ। ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିବ,
ये जो ऑक्सीजन रो प्रभाव हेला से सब एका संगे बहुत लोक माने त्राही त्राही कले ग्रासित हेले सेटा होबो नाही स्प्रेड हे गले समस्तंकर केयर टाइप हे परिबो अब बेसी लोक मानको आमे बंचे भी परिबो सो बिफोर दैट ये जो आपन कथा कहले एग्जैक्टली 100% करेक्ट सर आपन गोटे आउ गोटे कथा आपन जने डाक्टर भाबर गोटे नुवा उपाय बाहर करचंती गोटे रेस्पिरेटर मास्क विदाउट सेविंग जेतेबेले रेस्पिरेटरी सिस्टम लगेबा पई पडुची गोटे रोगी को मुहरे दाढ़ी रही टिके असुविधा तैयारी होची बोधे से आपन गोटे मेकानिजम बाहर करचंती जो मानकर विश्वास अछि धरा जाउ आपन जेमती सिख मतरे विश्वास करुचंती किए जीव अछि किए मुस्लिम अछि एमाने दाढ़ी काटिबा पई पसंद करंतेनी आपन जो रेस्पिरेटर मास्क तैयारी करले आपणकर मनरे कौन भावना थिला जे एई जो कम्युनिटी लोक माने आपणक नजर रे थिले ना आउ किछि थिला तार स्टोरीटा बहुत इंटरेस्टिंग मु जेबे ऑपरेशन करे तो से समय रे टिके रिस्क रहे जे किछि पार्टिकल दाढ़ी रु आमे जेल लगो किंबा समटाइम्स हेयर फॉल करी जाए जणा पड़े ना आ जदी ऑपरेटिव फील्ड रे सेटा पड़ी गले सेटा इन्फेक्शन करी पारे तेणु करी बहुत आगुरु ही मु ए दाढ़ी को कवर करे ताकु आमे पंजाबी रे को ठाठा आउ लकीली ए ठाठाटा अमृतसर मोर फादर इन लॉ मते 3-4टा देथिले तांकर आशीर्वाद काम आसिला तो मु भाबिली जे दाढ़ी को काटी कि आमे काई मास्क लगेबा जदी आमे हमर फेथ को पालन करूचु सिख हिंदू जो हेले आम ओडिया भाई आउ इवन गोरा माने भी केते माने दाढ़ी काटिया चाहो नती तांको इच्छा अछि तो काहे कि दाढ़ी को काटिबू आमे काहे ताको कवर करी कि तापरे मास्क न लगी तो मु कोन करली से आइडिया टा आसिला आउ हमर मैनचेस्टर रे मु से फिट टेस्ट पास करी गली तापरे मु गोटे प्राइवेट स्टडी टा कंडक्ट करली बहुत लोक मानन को नै कि आउ फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट यूके रो इन्वॉल्व हला आमे पास हे गलु सेटा पब्लिश हे गला जर्नल ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन रे आउ सीडीसी सेंटर फॉर कम्युनिकेबल डिजीज अमेरिका से भी मोर आर्टिकल को कोट करले आ हम हॉस्पिटल से माने मते स्पेशल रिकॉग्निशन से जिंसटा को देले गोटे सिंपल भावना रे मु गोटे जिंसटा तैयारी करली ताको बांधी की इलास्टिक ते तापरे आमे जदी मास्टर फिट करबा तारे दाढ़ी को कवर करके सेडा हम काम आसी जाय बस एई गोटे सिंपल जिंसटा जगन्नाथ सर आशीर्वाद रे काम हे गला निश्चित निश्चित भावरे सर आमे आपणकर धर्मपत्नी मैडम को भी अनुरोध करथुले प्रोग्राम रे जॉइन करिबा पई मैडम भी आम सहित जोड़ी है सारी मैडम डॉक्टर कपिलमित कौर मैडम को मु स्वागत करुची आमर कार्यक्रम को मैडम नमस्कार मैडम किसी दिन पूर्वर आपणकर जगन्नाथ जणान बेस भाइराल होता ओडियारे ओडिसारे जोठी देखिला परे आपण किए आपण कोठी रहउचंती कोण करउचंती ताकु टिके आमको जानिबा को इच्छा आइथिला सेठो आज आपण को परिवार पाखरे आमे पहुंचिलु आपण को आपण आसचंती पंजाब रु ओडिसा को आसिले जगन्नाथ को प्रति आपण को मनरे एते अगाध भक्ति अगाध श्रद्धा केमिति तयारी हला आउ जगन्नाथ जणान गाइबा पई आपण को मन रे इच्छाटा काहे के आसिला मैं क्षमा चाहती हूं जी मेरे को मूड उड़िया टिके टिके जानु जी आपण आपण आराम से आपण यू कैन हिंदी हिंदी और इंग्लिश यू कैन स्पीक एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम ठीक है सो इंस्पिरेशन तो मेरे जब आई शादी हुई मेरी इनके साथ तो उसके बाद ही मेरे को उड़ीसा से इंट्रोडक्शन हुई जगन्नाथ की इंट्रोडक्शन हुई और उससे पहले तो मैंने उड़ीसा नहीं देखा था और उड़िया कल्चर और जगन्नाथ और म्यूजिक और जगन्नाथ भजन इनकी नॉलेज भी मुझे इनसे ही मिली इंस्पिरेशन भी इनसे ही मिली और मैं तो कहूँगी माय सोर्स टू इंट्रोडक्शन और जगन्नाथ टू की तरफ डिवोशन उसकी इंस्पिरेशन मेरे हस्बैंड ही हैं सो दिस इज व्हाट आई कैन से डॉक्टर साहब आपण ओडिसा ओडिसा पीछे डॉक्टर साहब आपण ओडिसा रे भी है एक सवाल मैं पूछ लेता हूं थोड़ा आपसे थोड़ा लाइटर वेन पे आप ओडिसा में थे ओडिसा में पढ़ाई किए फिर चूज किए पंजाब में शादी करने के लिए और मेडिकल प्रोफेशन से चूज नहीं किए
सुने हैं आपका हाँ। पास अल्टरनेटिव भी था, लेकिन आप अपना गांव में शादी करना पसंद किए, ऐसा कोई राज है? नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक स्टोरी है कि भुवनेश्वर में जितने भी पंजाबी सरदार लोग हैं वो बहुत बिजनेस, हाई बिजनेस क्लास को बिलोंग करते हैं, और हम एक साधारण परिवार से थे तो इसीलिए हमको कोई लड़की नहीं मिली। और उड़ीसा में जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तो वहां पर भी वही हाल था कि हमारा दाढ़ी और मूछ को देख के शायद हमको कोई लड़की पसंद नहीं करती थी, मेरे को नहीं पता। तो हमने एक दो जगह ट्राई भी किया लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन फिर जगन्नाथ ने हमें हमारी मैडम से मिलवाया और हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। और उसके बाद अमृतसर में हमारी शादी हुई, हमने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाली थी, इन लोगों की भी ऐड आई थी, हमारी भी ऐड आई थी, तो दोनों तरफ से काफ़ी लड़का लड़की को हम लोग मिलते रहे। और फिर एक दिन हमें पता चला कि प्रोफेसर साहब हैं अमृतसर मेडिकल कॉलेज में, मेडिसिन के हेड हैं, तो उनकी बिटिया है। तो फिर हम भी डॉक्टर थे, अलीगढ़ में एमएस कर रहे थे तब, तापरे देखा हेला बेटो हेल कलू आओ मैरिज है गला। किंतु ओडिशा रे कोई पारी भी जे प्रोबेबली भाग्य रे नथिला हबाटा आ कण करी मु पंजाब को ओडिशा रे नहीं आसीली। आ आपण जोटा कथा कहले जे जगन्नाथ को लिंक अछि आज्ञा, हमरो सिंहदेव महाराजा थिले गजपति, से समय जब गुरु नानक जाइले जगन्नाथ ठाकुर मंदिर रे, आउ सेठी राजा को साथी रे भेट होइथिले, बहुत प्रेम भावना तांको दिया जायथला, लवली पीपल ऑफ ओडिशा बहुत प्रेम गुरुजी को देथिले। आ जगन्नाथ को मंदिर रे से गोटे भजन जोटा गुरु ग्रंथ साहिब रे लेखा अछि, वन ऑफ द मोस्ट फेमस गुरुवाणी रो से वर्सेस सेठी से क्रिएट करथिले, तार ना थिला इट गोस लाइक दिस। गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आन पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलवंत ज्योति, फुलंत ज्योति कैसी आरती होए भवखंडना तेरी आरती। मैंने से कहले जे जगन्नाथ ठाकुर इज नॉट जस्ट एन आइडल, जगन्नाथ ठाकुर इज अ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, आ पूरा ब्रह्मांड रो से भगवान, आ पूरा वनस्पति टे फूल पकोची, सब तारा मंडली तांको सराउंडिंग रे तांको माने परिक्रमा करूची, और तांकर जो लिमिटेशन टा इज जस्ट नॉट देयर, जगन्नाथ इज यूनिवर्स। सो ठाकुर जो यूनिवर्सल स्टेटस टा से लॉर्ड जगन्नाथ से समय गुरु नानक मेंटेन करथिले, तेणुक ओडिशा साथी रे कनेक्शन बहुत अच्छी। तापर जेबे सिख धर्म आरंभ हैला, आपण जानिथिबे गुरु गोविंद सिंह धर्म रखिया पाई हिंदू मानक भीतर सिख्स क्रिएट करथिले, आनंदपुर साहिब रे से माने कहले जे धर्म को रखिया पाई किए प्राण आहुति देबा पे प्रस्तुत, लोक मैंने डरी गले जे कौन ही जाते बाय ही जाते कि से समय गुरु जानी थी ले जे औरंगजेब तांकर फादर गुरु तेग बहादुर को बीहेड कर थी ले सीस काटी दे थी ले बिकॉज ही डिडंट अग्री टू कन्वर्ट, और कश्मीर जब फोर्सिबली लोक मान को कन्वर्ट करा जाउतला। सो से समय गुरु गोविंद सिंह तापरे देखले जे नाही एबे परशुराम बढ़िया काम करिया पड़ी, से कहले धर्म पाई किए प्राण देवा पे प्रस्तुत। पांच टी जन आसी थे जहाँ आम पांच प्यारे कहू, और ता भीतर जो सेकंड लोक थिले से ओडिशा रु थिले जगन्नाथ पुरी रो, ताको ना थिला हिम्मत राय आम ओडिया भाई, आ से हेले हिम्मत सिंह। तेणुक जिते भी सरदार मैंने सिंह लगे समस्तर जो ओरिजिन टा इट इज फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी, मेरठ बिदर लाहौर मथुरा आउ पुरी पांचटा जगार जो फर्स्ट फाइव हिंदू मैंने कन्वर्ट होते सिख मु सिखिजम को कन्वर्जन कहे नहीं, इट्स अ पार्ट, आम से गोटे कंटिन्यूस पार्ट रे अच्छा, किंतु से धर्म को रक्षा करा पे तैयारी करे थी। आज्ञा आज्ञा, जने आम सहित जोड़ी होती डॉक्टर रविंद्र, डॉक्टर डॉक्टर रविंद्र जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार संजय जी, नमस्कार नमस्कार राजेंद्र सिंह, नमस्कार। बहुत खुशी लागला आपण भुवनेश्वर, मु भुवनेश्वर छी, भुवनेश्वर जाके आपण अमेरिका मैनचेस्टर प्रतिष्ठित होती। वर्तमान जो कोविड चली कोरोना चली इंडिया रे, आपरे पुणे थर्ड ये आसीबो वेव आसीबो,
आ विषय आपणको मतामत कोन वर्तमान त आमे सेकंड वेव को बहुत माने मरि गेलेनी बहुत सफल हेलेनी एवं वैक्सीनेशन प्रॉपर हेने थर्ड वेव आसीबो एवं सेकंड वेव आसीबो ताको किमिति आमे प्रतिहत कर परि एडवाइस डॉक्टर साहब आपण साइलेंट साइलेंट अछि अनम्यूट करंत हां थर्ड वेव टा यूके रे आसी सारची और इंडिया रे कहउछंती जे नवंबर रे एटा आसी पारे किंतु हमकु किछि चिंता करिवार नाही मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनिस हैला एटा रेस चलची विथ वैक्सीनेशन जदि हमें वैक्सीनेट हे जिवा ताहले बहुत सेफ्टी मार्जिन टा हमकु मिलिवो यूके रे थर्ड वेव रे भी बेसी लोक माने संक्रमित होउछंती किंतु डेथ हो नाही डेथ टा बहुत मिनिमम अछि टोटल नंबर ऑफ सिक पीपल इन यूएसए भी बहुत कम अछि एबे जेतु एवरीडे 8000 नंबर इनफेक्ट होती भितर एडमिशन हॉस्पिटल कार हो नहीं सो दैट इज अ प्रूफ दैट वैक्सीनेशन काम करुची आमको से जिन को देखा पड़ो इंडियन वेरिएंट रे 130% मोर ट्रांसमिसिबल अच्छी सो जो भाईना कहले सोशल डिस्टेंस फेस मास्क आउ हैंड हाइजीन एटाको आमको मेंटेन करिया पड़ो अंटिल एंड अनलेस आमे वैक्सीनेशन नबा तापर ए न्यू वायरस टा बोधे यंगस्टर्स को टिके बेसी अफेक्ट करि पारे डेथ करिवो नाही किंतु एफेक्ट करी पारे तो हमको पैनिक करी वारो ना है किछि एटा किछि एक्स्ट्रा लिथल नो है बेसी लोक मानकर डेथ करिवो नाही बट इफ वी फॉलो द जनरल प्रिंसिपल्स और एज सून एज पॉसिबल जदि हमें वैक्सीनेशन करी परिबा दैट इज द बेस्ट वे स्लो करी के ताकु बेसी लोक स्प्रेड कर दे कि बेसी लोक माने जदि वैक्सीनेट हे जिवे ताकि थर्ड वेवटा हमें ताको संभाली परिबा बाकी तो जगन्नाथ हातंकर ठाकुरंक हातरे पगा अछि जगा हातरे पगा ताको दया रे सब ठीक हे जिवे हाँ निश्चित भाव में जगह हाथ में तो निश्चित भाव में पघा अच्छी आम सागर आउ जे दर्शक जोड़ी होती संतोष मिश्र संतोष बाबू डॉक्टर साहब को आपन कौन पचारे पे चाहते नमस्कार डॉक्टर बाबू को ऑलरेडी मु गत 6 मास ला जानछि अनेक थर कथाबार्ता भी हिचु एंड ही इज ए ग्रेट पर्सनालिटी तंक विषय रे कथाबार्ता समय रे विभिन्न वेबिनार समय रे अनेक जिंस जानिया को मिलछि आई डोंट नो वेदर it is already public or not doctor sahab ette kon chakachakya jaga chhadi ki manchester kam chhadi ki tanka future se odisha re kariya pai thare mat vyakta karthile is it already time to tell about that tapare tanka plan re not only public seva gote bodo doctor khana khulibar bi plan thila au even he had thought of some nice movies also to produce I don't know whether I am running fast but kichi kahibi jeti bhala hobo doctor sir apan apan kara bhavishyat ra secret to ebe public re achi apan ko to kichi kahiya padibo nai age kichi secret nu he kichi secret nai bahut bahut dhanyabad apan kara apan thik kahisanti हाँ मु दुई तीन टा मूवीज पाई प्रस्तुत प्रथम मूवीटा मु एनवायरनमेंट सब्जेक्ट रे करूची आ तारो थीम आमरो ओडिसा ट्राइबल मानको टिके पॉजिटिव लाइट रे भी शो करूची जे ट्राइबल्स माने किमिति इको कॉन्शियस अछंती आ एनवायरनमेंट उपरे तांकर बेसी प्रभाव पडु नाही किछि कार्बन फुटप्रिंट छाडनांती सो से प्रोजेक्ट आमे करूचु कोविड सका से टिके डिले हेगला बट आई एम होपफुल जे नवंबर रे सेटा को शूटिंग करिबा आ सेकंड आमे लॉर्ड जगन्नाथ उपर भी गोटे फिल्म करिवार अछि मु तार स्क्रिप्ट भी लिख सारछि सो आपण कर मूवी कथाटा सत किंतु किछि सीक्रेट नै जगन्नाथ सब निजे करिवे कामटा आ आपण कर सेकंड क्वेश्चन कोन थ लागे ओडिसा का आसेबे ओडिसा रे आगे सेटा सत्य कथा मु गोटे ट्रांसप्लांट यूनिट करवा चाहूँगी ओडिशा रे आई हैव गॉट द सपोर्ट ऑफ एज यू नो डॉक्टर अशोक चौधरी एंड मिसी की वी आर प्लानिंग दैट वेस्टर्न ओडिशा रे ग्रेजुअल मैनर रे जिमिति दिल्ली रे इंस्टीट्यूट अच्छी लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट ILB सेमिति से ही मेथड रे वेस्टर्न ओडिशा रे अराउंड झारसुगुड़ा को फोकस करके बिकॉज एयरपोर्ट भी सेठी अच्छे तो वी आर वेरी सून प्लानिंग टू मेक अ मूव कोविड सकाश सब टिके लेट हो गला हावावर आम प्लान टा चली जिते भी इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स अच्छा भी सहयोग सुजोग आमको दरकार आ मिसिकी ओडिशा रे गोटे मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट यूनिट जोटा क्रिएट करिवारो
ମୋର ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବିନତି ଅଛି ଯେ ମା ମଙ୍ଗଳା ମା ସମଳେଇ ଆମ ଉପରେ ତାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ, ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ କାମଟା କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ସାହେବ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେବାର ଖୋଲା ମନରେ କିଛି କରାଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହେ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୁହେଁ। ଇଏ ତ ଆହୁରି ଆମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର। ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ ଆଶା ରଖିବା। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୌର ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଛୋଟିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଟିକେ ଗାଇପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି। ओके जी, एक एक लाइन आई विल ट्राई। श्योर 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 मैम। क्यों नामो धरी डाकिबो तुमको, तुमे जे सर्वनाम। क्यों नाम धरी डाकिबो तुमको, तुमे जे सर्वनाम। क्यों नाम धरी। धन्यवाद धन्यवाद मैडम, एत सुंदर भाव आपण गीतटी को गाइले। डॉक्टर साहब आउ गोटे प्रश्न आपन को पचार चाहते, आपण अंगदान पाई उद्यम किंतु भारत रे आम राज्य रे ओडिशा रे अंगदान को गोटे लोक माने मानसिक स्तर रे एक्सेप्ट करना। जदि आम ट्रैक रेकर्ड को देखा ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଅଛି କି କିଛି ଅଙ୍ଗଦାନ ବଢ଼ୁ, ଆ ଉପରେ କିଛି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲି ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ? ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଏବେ ଆମେ ସେ ଚେଷ୍ଟା ମୁଁ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କଲେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସାଥିସାଥିରେ ତାକୁ ବି ନେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାୱେଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ବହୁତ ଚଲେଇଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ଫର୍ ଏ ଟକ୍ ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ମିଟିଂରେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍। ସେଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ଟେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲି, ବଟ୍ ବିଫୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଅଙ୍ଗଦାନର ବ୍ୟାକ୍ଡ୍ରପ୍ଟା ଦେବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ ଆମର ପପୁଲେସନ୍ ଇଜ୍ 1.4 billion, ମାନେ 140 crore, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗଦାନରେ ପୁରା ୱାର୍ଲଡରେ ଲିଷ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଅଛୁ। ଟିକେ ସେଟା ଚିନ୍ତା ବିଷୟ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ତା ପଛରେ କିଛି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ରିଜନ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୟ ଯେ ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ଯଦି ହଁ ହଁ କହିଦେଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ ଶୀଘ୍ର କରେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନେ, ଆଉ ତାପରେ ଅଙ୍ଗଦାନ ନେଲା ବେଳେ ବହୁତ କାଟିକି ଚିରଫାଡ଼ ଯୋଉଟା କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୟ ଅଛି ଯେ ବଡିଟା ମ୍ୟୁଟିଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ କେତେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିଦେଲେ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ସେ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡା ସେ ଆମ ବଡିରେ ନଥିବ, ଏମିତି ସବୁ ରିୟୁମର ଗୁଡା ଅଛି ଯାହା ସକାଶେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେ ମେଣ୍ଟାଲିଟିଟା ନାହିଁ। ହାୱେଭର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଙ୍ଗଦାନର ଯୋଉ ପୁଷ୍ଟେ ସେ ରିଲିଜିୟସ ବଡିରୁ ଆସେ। 1970s ଫର୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପୋପ୍, ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଇଟାଲୀର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ପୋପ୍, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ମାନେ ଗୁରୁ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଙ୍ଗଦାନ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ବିକଜ୍ ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଡେଥ୍। ଯେବେ ବ୍ରେନ୍ଟା ମରିଯାଏ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, କେତେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା, ବ୍ରେନ୍ରେ ଯଦି ବ୍ଲଡ୍ ନଗଲା 4-5 minutes ବ୍ରେନ୍ ମରିଯାଉଛି, ରାଇଟ୍? ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପୁରା ବଡିଟା ଇଜ୍ ଆଲାଇଭ୍ କିନ୍ତୁ ବ୍ରେନ୍ ନାହିଁ। ସୋ ସେ ଫର୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପୋପ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଡେଥ୍।
जो समय रे से ब्रेन डेथ को एक्सेप्ट करि नेले ना ता पूर्वरु हार्ट बीट ता बंद हेगला को ही डेथ को जंता जेबे से चर्च एक्सेप्ट कला से डेफिनेशन को तापरे वेस्टर्न वर्ल्ड रे ऑर्गन डोनेशन रे बूम हेगला उठे काय समस्या के कहले हां हमरो चर्च हमरो क्रिश्चियनिटी रे एक्सेप्ट हो जाछि जे जहारु ब्रेन ता डेड से मरि जाछि दे पर तणु करे सेटा हमो इंडिया रे नाही लोक माने एबे भय करछथि सेकंड जिनिस हैला डोनेशन आफ्टर कार्डियक डेथ सर्कुलेटरी डेथ माने ब्रेन डेथ रे आमे टेस्टिंग करकी करि पारछि जे लोकर ब्रेन मरि बट देयर आर सम टाइप ऑफ ब्रेन डैमेज जोटा रे लोक वेंटिलेटर रे अछि इंडिया रे से माने दुई दि मास तीन तीन मास वेंटिलेटर अछंती जमी बाड़ी बिकी जाउछि डाक्टर मानकर एक्सपेंडिचर जोटा माने लेजिटिमेट एक्सपेंडिचर हॉस्पिटल रो कहना आईसीयू टा बहुत एक्सपेंसिव आगे से आईसीयू रो मेडिकेशन आईसीयू रो वेंटिलेशन ए सब जिनसो दी तीन मासो पर्यंत भी से लोकटे वेंटिलेटर रहउची किंतु से एक्चुअली ही इज डेड ब्रेन डेथ न हेले भी ब्रेन टा वेजिटेटिव हो जाय यूके यूएसए कनाडा रे कौन हुए आमे फैमिली साथी रे कथा करू आ फैमिली कोची वी डोंट वांट आवर पेशेंट टू सफर आ आपनो लाइफ सपोर्ट को विड्रॉ करनी हूँ तो लाइफ सपोर्ट को विड्रॉ कर ले से लोग को हार्ट बीट टा बंद है जाए और से लोग को मरी जाए तापरे हमें तांकरो बॉडी को यूज करी पारु अंगदान पाई बट सही प्रोविजन टा इंडिया लॉ रे नहीं मु सही जिनस टा को डिस्कस कर ली से समय रे इंडिया रे लॉ प्रोहिबिट करुची जे जो कोनोसी लोकटे जदि वेंटिलेटर रे अछि ताको हमें काढ़ी पारिबा नहीं तार रीजन हैला तांको भय अछि जे केते लोक मानकर अननेसरी डेथ स्टार टिके बढे दे पारंती इमिति गोटे फॉल्स रिमर टा अछि लोक मानकर भय अछि रियलिटी रे सिमते होय ने डॉक्टर माने बहुत एथिकल लोक बडा बट बिकॉज़ ऑफ दैट प्रॉब्लम इंडिया रो जो लॉ अछि व्हिच इज नॉट अ ग्रेट लॉ फॉर दिस रीजन जे आमे जदि लोक मानकु वेंटिलेटर रे डिस्कनेक्ट न करि पारिबा देन से 3 मास 4 मास परे लोकर डेथ निश्चय हबो किंतु से 3 मास भितरे पूरा परिवार ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेन एते पड़ि जाय जे लोक मानकर दिवाला भई जाए दे लूज ऑल देयर पोजेशंस दैट लॉ हैज टू चेंज इन इंडिया मु सेटा भी टिके चेष्टा चलु छी थ्रू कंजर्वेटिव पार्टी जहार मु वे यूके रे मेंबर अछि आई एम द वाइस चेयरमैन ऑफ द कंजर्वेटिव विंग ऑफ एनएचएस ऑफ यूके नाउ तो मु टिके चेष्टा चलु छी जे गवर्नमेंटल लेवल रु गवर्नमेंट लेवल को टिके अप्रोच करबा किछि न्यू लॉज गुडा को काढी कि आमे इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच करबा जे ए कानून टा को टिके चेंज करि जदि पारंती ताले बहुत हेल्प मिलिबो लोक मानकु अननेसेसरी मन लोक मानकर मनी ड्रेन फाइनेंशियल ड्रेन ते हबो नै निश्चित डॉक्टर साहब आमे त आलोचना कंटिन्यू करबा आमे संगे जने दर्शक जोडी हेचंती रितेश मिश्र आपन को से किछ प्रश्न पचारबे पय चाहुचंती रितेश बाबू डॉक्टर राजेंद्र नमस्कार नमस्कार मोर क्वेश्चन ला आपन को दैट रिगार्डिंग ऑर्गन डोनेशन इंडिया रे चेन्नई एंड सूरत मु जानिवरे चेन्नई एंड सूरत रे ऑर्गन डोनेशन क्वाइट पॉपुलर मु एबे करेंटली सूरत रे पोस्टेड अछि मोर प्रश्न हला कि ए दिटा जगह रे जदि हेई परिवो अन्य जगह रे काई कि हेई परिवोनी ए दिटा जगह रे किछि स्पेशल इनिशिएटिव नियाइतला कि स्पेशल अवेयरनेस नियाइतला कि आपनकर फ्रेंड बोथ हेठी अछंती अहमदाबाद रे डॉक्टर कौन पेमती लाइक सूरत एंड चेन्नई रे काई की हे परला और अन्य जगह रे किमती हे परियो हां सूरत रितेश थैंक यू बहुत भलो प्रश्न आपने पचारले रितेश मोर स्टुअर्ट स्कूल रो बैचमेट भी अछंती आ इनकम टैक्स कमिश्नर एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट एंड अपराइट पर्सन इन माय बैच आई लव हिम थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन रितेश रितेश चेन्नई रे डॉक्टर मोहम्मद रेला जायथिले यूके आउ से गोटे एक्सपर्ट थिले जो लिवर को स्प्लिट करके यूज करछंती गोटे लिवर को दुई जनों को भीतर पके जा परे तारो से वर्ल्ड रे एक्सपर्ट थिले से छाड़ी के तांको चाकरी एट द हाइट ऑफ हिज करियर से सेवा कले मोहम्मद रेला आ तांको सुजोग रु से जिनसटा आरंभ हला आउ याडे अमर गुजरात रे एचएल त्रिवेदी थिले से कनाडा रे थिले से भी तांकर रिटायरमेंट रे तांको संपत्ति सब नहीं कि गोटे हॉस्पिटल टे तैयारी कले जोटा को एचकेएल त्रिवेदी इंस्टीट्यूट को आ जाए आ ता भीतर मोर बहुत क्लोज फ्रेंड अछि डॉक्टर प्रांजल मोदी ही वन ऑफ द टॉप सर्जन्स इन द कंट्री ए माने इनिशिएटिव नेले आ बिकॉज़ ऑफ दैट इनिशिएटिव लिवर किडनी पैनक्रियास डोनेशन टा बहुत बढ़ी गला ये माने तापर गोटे नेटवर्क टा तैयारी कले सो तमिलनाडु नेटवर्क टा इंडिया रो टॉप मोस्ट नेटवर्क इन ऑर्गन नेटवर्किंग तापर गुजरात रो नेटवर्क टे अछि आ ए भी डिफरेंट स्टेट्स इन साउथ भी आरंभ करछंती
दिल्ली रे सम इंस्टीट्यूट जोटा आरआर आर्मी रोटा आरआर अच्छा से मैंने बहुत ऑर्गन डोनेशन कर सो ग्रेजुअली ए इनिशिएटिव टा नहीं कि ए सब नेटवर्क टा थोड़े जॉइन है गले वी विल हैव द नेटवर्क जस्ट लाइक आम यूके अच्छी जोटा आम कहे NHSBT NHS ब्लड एंड ट्रांसप्लांट तो यूके यूएस अच्छी यूनाइटेड नेशन फॉर ऑर्गन शेयरिंग सो सिमिलरली इंडियन नेटवर्क ऑफ ऑर्गन शेयरिंग आइनोस्टा को हमें क्रिएट करिबा बट दिस विल टेक अ बिट ऑफ टाइम निश्चित भाव आज जन दर्शक आम सहित डॉक्टर साहब जोड़ी होती जुली मैडम आप कौन प्रश्न पचार चाहते नाय नमस्कार समस्त को नमस्कार राजेंद्र जी कपिल मित जी मोर तो बहुत आई मीन बोथ राजेंद्र जी और कपिल मित जी दे आर सच अ ब्लेस्ड एंड डिवाइन कपल से मैंने इतने सेल्फलेसली इतने काम करुछंती एंड कंटिन्यू टू डू एंड सम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी अच्छी आमे बिकॉज आई एम पार्ट आई एम द फाउंडर ऑफ कैंप्स चैरिटी सो वी आर ग्रेटली इंडेप्टेड एंड डीप ग्रेटिट्यूड की राजेंद्र जी आम कैंप्स चैरिटी एम्बेसडर भी यूके एंड वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव हिम पार्ट ऑफ आवर फैमिली and we look forward to more association and working together Rajinder ji so thank you so much we look forward to more work apankar jo vision achi odisha pai odisha basinko lokonko pai to continue helping in the field of healthcare ho ki movie making hai ki se awareness ona ho ki camps charity through re to help the you know the artists it is just amazing and thank you so much for your association and we look forward to working with you bahut bahut dhanyawad Julie ji thank you so much eta mor honor it's a honor and privilege to be a part of the fantastic work that you are doing we have got lot of options amku Jagannath temple London re karyar achi Dubai re bhi karyar achi आउ पाला ये सब दस काठिया ये जिनसको भी आमको प्रमोट करियर अच्छी आउ गोटे कथा मु कहि दउची जे वेरी फ्रैंकली आई कैन टेल दिस ऑन टेलीविजन आई एम माय फादर वाज फ्रॉम पाकिस्तान आमी इमिग्रेट करके ओडिसा रे आसिलु थे समय रे जेते प्रेम आमको ओडिसा रे मिलिछि मते मते मोर पूरा लाइफ रे जिते जिते जागा मु जाइछि मते सेते प्रेम मिली नाही मोर केते व्हाट्सएप ग्रुप थिला आपण सब विश्वास करिवेनी मु केवल ओडिसा रो व्हाट्सएप ग्रुप को अबे अलाइव करछि नॉट बिकॉज़ आई एम ग्रेट बट बिकॉज़ दिस ग्रुप इज ग्रेट बिकॉज़ ओडिया पीपल आर ग्रेट ओडिया पीपल मानकर बहुत सिंपलिसिटी अछि तांकर ऑनेस्टी अछि यूके रे यूएस रे अपन जानतु अपन देखिबे ओडिसा लोक माने एजुकेशनल लाइन रे जाउछ एंड पंजाब रू भी जाउछंती बहुत लोक माने बट यू विल सी दैट मिक्सचर अछि सम ऑफ देम विल गो इन बिजनेस एंड ऑल बट ओडिसा रो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हला एजुकेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओडिसा आर द टॉप एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया ओडिसा इज अ एक्सीलेंट एजुकेशनल हब मो भाया गोटे लोक गोटे ऑर्डिनरी फैमिली को जो लोग बिलोंग करथला एसीबी मेडिकल कॉलेज रो हाई क्लास क्वालिटी डॉक्टर क्रिएट करले मते आउ से आई एम इंडेप्टेड टू माय टीचर्स इन स्टुअर्ट स्कूल माय फ्रेंड्स माय टीचर्स इन एसीबी मेडिकल कॉलेज से मैंने जो एजुकेशन मते देछंती बीजेपी कॉलेज आपण विश्वास करबे नै से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक्सट्रीमली हाई इन इंडियन स्टैंडर्ड्स आउ इवन यूएसए रे भी आसिक यूके रे भी आसिक से एजुकेशन टाइम मोर काम को आसुची सो ओडिशा पीपल आर वेरी ग्रेट एंड एजुकेशनल रूट डू नो छंती दैट इज द राइट थिंग टू डू एंड ऑब्वियसली टिके एक्स्ट्रा वर्क भी हमको करिया पड़िबो इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग आवर स्टेट मोर व्हिच हमें सब प्रवासी ओडिया माने मिसिके हमें चेष्टा चलेबा आपण भी मु भी समस्त मिसिके ए चेष्टा से चलेबा निश्चय राजेंद्र जी आउ आउ गुटे जिनसो मो दर्शकों को कहया को चाहूची कि इफ यू नो अकॉर्डिंग टू अस इफ देयर इज एनीवन बेटर टू बी नॉमिनेटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओडिसा दैट इज राजेंद्र जी आउ कपिल मित जी काकि ना से माने एते तंकर श्रद्धा आउ डीप ग्रेटिट्यूड अमर ओडिया लोकों को पाई ओडिया कल्चर ओडिया आर्ट पाई जिते बळे भी आमे तंकु रीच आउट करचू से माने एते सुंदर वे रे प्रमोट करचंती एवं एबे सहायता करचंती जगन्नाथ मंदिर ए सब हेल्प करिया को सो थैंक यू सो मच आई थिंक आम सब माने ओडिसा तरफ पूरा दिस इज माने जस्ट अ थैंक यू एंड अ डीप ग्रेटिट्यूड टू यू कि आपण केते मात्रा रे आम कल्चर आ आम हेरिटेज ओडिया ओडिसा रो प्रमोट करूचंती सो मेनी थैंक्स टू यू राजेंद्र जी मैडम मु तो लॉर्ड जगन्नाथ कर आई एम द फीट ऑफ हिज टच जहाँ करुछंती प्रभु करुछंती मोर निजर किछि ये नाही ता भीतर इट्स ऑल ड्यू टू लॉर्ड जगन्नाथ
डॉक्टर साहब, ये तो आपणकर महानता, आपण जहाँ भी परिश्रम कले भगवान को समर्पण करुछंती। आउ जने दर्शक काम सहित जोड़ी होती प्रीतिश साहू। प्रीतिश बाबू कौन कह चाहते? नमस्कार राजेंद्र जी, आपको आपण लाइक मत भारी गर्व फील हो यू आर डूइंग सच ए ग्रेट वर्क एवरीवेयर एंड पर्टिकुलर इन यूके। गोटे गोटे छोट प्रश्न अच्छे लाइक आई कीप पार्टिसिपेटिंग मेनी ऑफ द टीवी डिबेट्स एंड ऑल, लेकिन आई एम ए प्रोफेसर बेसिकली बट नॉट इन द मेडिकल प्रोफेसर असेंबली। तो मत गोटे छोट प्रश्न अच्छे मुझे बुझी पारे कोविड रिलेटेड प्रश्न। नॉर्मली आम कौन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करूँ, आम कौन मास्क लगातु एवं सानिटाइजर करूँ, आखि पाटी आउ नाक हाथ लगातु ना, कि रेगुलेशन आसुची गवर्नमेंट रेगुलेशन करुची से मास्क पे कहते कहीं आखि पे कहीं कहूनी, तार अर्थ है आई पर्सनली बिलीव जो आखि द्वारा भी ट्रांसमिटेड हो पाए से कहते आखि द्वारा हाथ लगातु नहीं, तथा आखि पे कहीं कहूना जो आखि गोटे चश्मा लगे जाते आखि टा कवर कर। आखिरु वायरस टा जीवन नाही अनलेस आपण हैंड कांटेक्ट करि, किंतु आपण निश्वास नबा बंद करि पारिबे नाही। आपण कथा करिबे जदि आपणको पाटीरु जो छेप बाहरिबो, जो कफ पार्टिकल्स बाहरिबो, तो वायरस टा सेई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू जाए। किंतु आखि जोटा अछि आखिरे वायरस टा जीव जेबे आपण किछि वायरस सरफेस को टच करि कि आपण आखि को रब करले, सो आखिरे किछि कवर करबा दरकार नाही। ओनली थिंग इज आपण हैंड हाइजीन करिवे आ आपण पाटी नाक आखि हाथ लगेबे नै, दैट इज इनफ। किंतु रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्शन दरकार विथ ए मास्क, बिकॉज ब्रीदिंग टा इनवोलंटरी मूवमेंट अछि, सेटा आपण बंद करि पारिबे नै, आ निश्वास रु वायरस टा जीव आसिया करे, तेन करि आपको ट्रैपिंग पई दरकार। स्टडीज शो करिछि जे मास्क रो मेन रोल हुए जे 10 जण भितर जणे जदि इन्फेक्टेड अछि से समस्त को इन्फेक्ट कर दबो। मास्क टा समस्त को प्रोटेक्ट करे बिकॉज जो लोक को इन्फेक्शन अछि से स्प्रेड करि पारिबो नाही, बिकॉज इट इज ट्रैप। आ जदि किछि जीवो भी से वायरल लोड टा एते कम थिबो जे इट विल नॉट गेट इन्फेक्टिव टू अदर्स। प्रतिशत माने आपन उत्तर रे सैटिस्फाइड ना आउ किछि अछि आपन पखरे? नै मार छोटटे खाली म सेते कहू छी जे जणे यदि खासिला माने आखिरे जदि डायरेक्टली ड्रॉपलेट्स आसिला देन सी कोविड संक्रमित हब कि नाही, चांसेस स्टार्ट टिके अछि, बट मास्क जदि जो पिंदी छी से खासिले तार मास्क रे ट्रैप हो जइबो। तो दुई जण जदि एका हाथरे छिड़ा होइ छथि जणे खासु छी किंतु जदि मास्क पिंदी छी आखिरे किछि जीवो नै ना आज्ञा, सेटा मास्क ताको बंचे नबो ट्रैप कर नबो। आपण जो कथा कहिछने सेटा प्रैक्टिकली हे पारिबो नाहे कि बिकॉज़ पीपल विल नीड देयर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आउ फॉर दैट रीजन जो डॉक्टर माने काम करछने तांको पे बेसी दरकार, बिकॉज़ दे आर वर्किंग इन वेरी हाई वायरल लोड एनवायरनमेंट। बट सोसाइटी रे जदि आमे ए बेसिक दीटा जिंसो को आमे मेंटेन करिबा देन इट शुड बी इनफ। निश्चित भाबरे बरे आमे संगे आउ जने दर्शक जोडी हेचंती भवानी बक्सी। भवानी बाबू आपण कोन कहयक जाउचंती? नमस्कार राजेंद्र बाबू मो गोटे क्वेश्चन थी आपण आज वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर वर्ल्ड नोन ट्रांसप्लांटेशन फील्ड वर्ल्ड नोन फिगर, यू आर ए नोन सिंगर, यू डू ए लॉट ऑफ वर्क फॉर जगन्नाथ धर्म, एवं मूवी भी बनाऊँच मूवी प्रोडक्शन भी जाऊँच एत सब प्रतिभा अच्छी ना जदि कह आम ओडिशा रो जुबा को एक्साइट करिकी तांको एनर्जाइज करिकी ओटे को एरिया रे तांको आगे नबा को चेष्टा करिबा, आपण को एरिया टा को चूज करिबे टू मोटिवेट आवर यंगर जनरेशन? एजुकेशनल प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, सो व्हिच वन? भवानी, बहुत बहुत धन्यवाद भवानी। नमस्कार, भवानी इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड, शहीद नगर रे से पिला आमर रहउछंती आ बीजेपी रो आमर क्लासमेट भी। भवानी मु जते मोटिवेट करि परबे तातु 10 टाइम समय भी मोटिवेट करि परि अधिका, बट मोर उद्देश्यटा हला एजुकेशनल राउट। मु गोटे नोबडी थिली तमे जानछो, फ्रॉम ए नोबडी टू एटलीस्ट मेक सम अचीवमेंट इन माय लाइफ हंबली, इट वाज एजुकेशन ऑफ ओडिसा व्हिच हेल्प मी। आ आई वुड से
that educational opportunity taku ame jodi age nei ki jiba seta best in terms of coal line ame choose karuchu that individual upare chhad deba because I am a doctor my wife is a doctor tenu kare ame to obviously medicine ko promote karibu medicine re jo chua pila manku kichhi help darkar in any way guidance darkar seta ame dei paribu but mora dita pila se mane jhio ta bade jai pare kintu mo puota physics nei chhi so I would say to summarize ame kaha ko limit kare pariba nahi however hard work dedication and high quality education that is the key to success and ta upare gote pillar darkar honesty honesty is very very important I have been reasonably honest in my life gote samay asi thila I was getting weak but I got married to my partner Kapilmit Kaur and Kapilmit Kaur marriage pore mu tanko family ru kichhi sanskar guda jo extra neli seta mote timely banchai nela and tapare jete honesty mo bhitare thila taku se 3-4 times tanko samparka re asi ki prerit he ki mu taku kari parili and seta help korichi agya to mor message amo youth manku is work hard and don't try to take shortcuts and please be honest apnu vishwas karibe nai honesty is actually the best policy our work ethics ku apnu clean rakhantu apnu jo katha kahibe taku pura karantu and I'm 100% sure everybody will be successful and have faith in lord jagannath tankor grace binare kichhi hobo nai lord jagannath ko grace is most important निश्चित भाव आम आउ जे दर्शक आम सहित जोड़ी होती संजय बेहरा संजय बाबू आप कौन कह चाहते सर नमस्कार सर नमस्कार आप सर नहीं आम निश्चय समस्त ओडिया लोक गर्व करुचु सर मोर प्रश्न कोविड विषय जदि आम पपुलेसन दृष्टि देखा भारत पपुलेसन निश्चय संपूर्ण यूरोप एवं यूएस ठार देढ़ गुण अधिका जदि भैक्सीनेसन बर्तमान 24 कोटी 60 लक्ष भारत जदि यही कंटिन्यू करे एवं लॉकडाउन देशर कंटिन्यू करे तार निश्चय देशर अर्थनीति बिगड़ जीवर सर थे वन्स कम्प्लीट है 130-140 कोटी लोक एपटे ये जो आम भैक्सीनेसन नहीं कत इम्यूनिटी पावर रहा पुणी आमर जीरो हो जो आम अलरेडी नहीं जाइ जब आमर जीरो हो जाए पुणी आमको आउ थे दवापाई पड़ो तेनालीर सर आप कौन कहे आम पपुलेसन मत लगुच गोटे बहुत बड़ चैलेंज आज्ञा आप बिलकुल जिन कहले सत कथ यूके रो पॉपुलेशन इज हार्डली 7 करोड़ और इंडिया रो पॉपुलेशन इज 135-140 करोड़ आम देश रे सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन आमर अचीवमेंट अच्छी बट इनएबिलिटी टू कंट्रोल पॉपुलेशन जोटा से बहुत तले को टाणी नहीं जिते आम रिसोर्स कंट्री रे होता निज लोक भितर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाए किसी सरप्लस रो ना एक्सपोर्ट में so that is important anyway ame taku infrastructure ku use kariba man power ku use kariba population ebe achi taku kichi kara jai paribo nai most important thing is standard practice jota bhaina bi kahile you know social distancing face mask hygiene vaccination jete adhika ame kari parchu jete spacing kari parchu seta amku kariya padibo tar au to kichi nahi au most important jinsa hela that virus ro सीवियरिटी जोटा ओनली 20% लोक मन को हम और 20% लोक मन को सीवियर हेला परे ओनली 3-4% पीपल विल डाई एट द मोस्ट इंडिया रे डेथ रेट इज एक्चुअली लोअर सेटा गोटे बहुत बड़ा एडवांटेज इंडिया रे प्रॉब्लम कोठी होची म आपनको बुझौची एबे जो पेंडेमिक टा धला बहुत लोक माने पैनिक करि गले पैनिक करि कि समस्या जहां पाखरे बेसी पैसा थिला से माने जाकि हॉस्पिटल रो बेड को एडवांस बुकिंग ऑक्सीजन भी दरकार नथिला मेडिसिन भी दरकार नथिला बट दे वर वरीड व्हाट इफ जदि किछि हेगला सो तेणु करी से पैनिक रे बहुत लोक माने एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड इन्फेक्शन जो माने घरे जाकु रहबा कथा से माने डरी कि जाकि हॉस्पिटल ऑक्युपाई करि नेले बिकॉज सामर्थ्य थिला और एट द सेम टाइम जो लोकंकु दरकार हॉस्पिटलाइजेशन तांको पाखरे बेड तांको मिलि पारला ना तो सही पैनिक टाकु जदि आमे भलो किने मैनेज करे नबा एंड वी हैव रेगुलेटेड ग्रुप्स एडवाइजरी ग्रुप्स ऑल ओवर उड़ीसा जो माने 24 आवर हॉटलाइन चलेबे एंड दे विल एडवाइज वेदर ऑर नॉट टू हॉस्पिटलाइज तापरे होम
ଅକ୍ସିଜେନେସନ ଫାସିଲିଟି ଦେଇଯାଇପାରୁ, ପ୍ରୋନ୍ ହେଇକି ଆମେ ଶୋଇବା, ସେସବୁ ଯଦି ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା, 95% ଅଫ୍ ଦ ପିପଲ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ୟାନିକ୍ କରିକି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଜିଲି ଘରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେବ ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲିଂ ବି ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ୍ କରିପାରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ହୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଡ୍ ଇଟ୍। ସୋ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଟିକେ ଭଲକିନି ମ୍ୟାନେଜ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱାଟ ୱି ହାଭ୍ ଅଲରେଡି ଫେସ୍ଡ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ କ୍ୟାରି ଅସ୍ ଥ୍ରୁ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଏଭ୍ରିବଡି ଗେଟ୍ସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ସାହେବ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଜୁଲି ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ସାଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫଟୋ ବି ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟରେ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିତ୍ର ବି ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଭାବାବେଗର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସିଏ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଡକ୍ଟର ସାହେବ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ଗୀତ ଭାଇରାଲରୁ, ସେଉଠୁ ମୁଁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଇଏ ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ କିଏ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେବେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଆପଣ ମିଶିକି ସେଇ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଗୀତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ, ଟିକେ ଯଦି ମିଶିକି ଗାଇପାରିବେ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କନକ୍ଲୁଡିଂ କମେଣ୍ଟ ନେବା ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ମୁଁ ମୋ ୱାଇଫକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଡେଜି ଓ ଆହେ ନୀଳ। ହଁ ଚାଲ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଆଇ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ୱାଇଫ୍ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ସି ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ କ୍ଲାସିକାଲ ସିଙ୍ଗର, ମୁଁ ତ ଜଷ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ କିଛି ଗୋଟେ କହିଦିଏ। ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ, ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ, ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ, ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ, ମୋ ଆରତ ନଳିନୀ ବନକୁ କର ଦଳଣ। ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ, ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ, ପ୍ରବଳ ମତ ବରଣ, ପ୍ରବଳ ମତ ବରଣ, ମୁଆର ତ ନଳିନୀ ବନକୁ କର ଦଳନ। ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ, ଗଜ ରାଜ ଚିନ୍ତା କଲା ଥାଇ ଧରୁ ଜଳେ ନ, ଚକ୍ର ପେଶି ନକ୍ର ନାସି ଉଧାରିଲ ଆପଣ। ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ, କହେ ଶାଳ ବିଗହୀଣ ଜାତିରେ ମୁଁ ଯବାନ, କହେ ଶାଳ ବିଗହୀଣ ଜାତିରେ ମୁଁ ଯବାନ, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗେ ଚରଣ ତଳେ କରୁଅଛି ଜଣାନ। ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡକ୍ଟର ସାହେବ, ଆପଣ ସମୟ କାଢ଼ିଲେ, ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ, ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଅଗାଧ ସ୍ନେହ, ଆପଣଙ୍କର ଇତିହାସ କଥା ବି ଏଠି କହିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜରାସ୍ତାରେ ସେମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବାରରୁ, ଧନୀ ପରିବାରରୁ ନ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶା ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଏତେ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗିଭ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଜନନୀ ପ୍ରତି, ଓଡ଼ିଆର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଏ କମିଟମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ
ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦେଖା ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସିଧା କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ, ଆମର ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଆଇ ଦିଏନିରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବା। ଆଉ ଜଣେ ସଫଳ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ଆସିକି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିପାରିବ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସଫଳ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକି ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତାକୁ ଜାରି ରଖିବା। ଯେତେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ତାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେବା, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଡକ୍ଟର ସାହେବ ଯାହା କହିଲେ ଅନେଷ୍ଟି, ସବୁ ଯଦି ମିଶେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଗକୁ ବହୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଏ ଅପେକ୍ଷା ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଏହି ସମୟରେ ଏଇଠି ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ନମସ୍କାର।